नमस्कार, मैं आप सुनिए टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चांपा रेलवे स्टेशन में हजारों की संख्या में पलायन करने ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मजदूरों को जबरदस्ती पलायन करने की सूचना मिल रही है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद मजदूरों को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी कांग्रेस विकास और रोजगार की बात करके अपना खाना हजम कर रही है। हकीकत कुछ और है। चांपा रेलवे स्टेशन इन दिनों कुछ अन्य राज्य के ठेकेदारों व दलालों के माध्यम से छोटे छोटे गाँव में जाकर मजदूरों को ज्यादा मजदूरी की लालच देकर पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसकी खबर थाना को ना हो, बल्कि सभी भली भांति इससे वाकिफ हैं। ये दलाल आपको प्रायः सभी गांव में नजर आ सकते हैं, सिर्फ आपका नजरिया ठीक हो। जांजगीर चांपा के 9 ब्लॉकों में ऐसी जगह देखी जा सकती है। अधिकांश गांव में तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कई जगहों में ठेकेदार आकर अपने दलालों के घर रुकते रहते हैं। घूम घूम कर कमजोर और जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उसकी तलाश कर उन्हें जाने के लिए दलाल अपने जाल में फंसाते हैं। अभी तक लगभग सैकड़ों मजदूरों का पलायन हो चुका है। न तो इसकी जानकारी पंचायत के पास है, न ठेकेदार समेत थाने बिना सूची दिए ही मजदूरों को अन्य राज्यों में कैसे ले जाने में कामयाब होते हैं। हम आपको बता दें कि अन्य राज्यों से आए ठेकेदार मजदूर को 10,000, 20,000, यहाँ तक कि उन्हें 50,000 तक एडवांस देकर पलायन कर लेते हैं। ये भोले भाले मजदूर इन दलालों के झांसे में आकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ से बड़ी बड़ी जगह में जाकर फंस जाते हैं, इनके शोषण का शिकार होते हैं। फिर बाद में शासन प्रशासन इन्हें छुड़वाने के लिए परेशान होती है, जो शासन के लिए बड़ा सर दर्द बनता है। ब्लॉक में मजदूरों के पलायन करने का इतना जटिल जाल बिछा हुआ है कि ग्रामीण भी इन दलालों व ठेकेदार के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। वैसे मजदूरों को पलायन को रोकने के लिए शासन प्रशासन बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस भी अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं करती है। छत्तीसगढ़ ईंट भट्टा मजदूर संघ छत्तीसगढ़ चांपा स्टेशन पहुंचकर पलायन करने वाले ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। पलायन करने वाले ग्रामीण उनकी एक भी नहीं सुने। जब मजदूर संघ ने अपने मोबाइल से चांपा टी पुलिस को पलायन करने वाले ग्रामीणों की जानकारी देना चाहा तो TI मजदूर संघ कोई बात नहीं सुने। तो पुलिस विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंजीयन करवा लाल मुन्ना में सिरली हमार गांव है। कहाँ जा रहे हैं आप? हिमाचल। क्यों जा रहे हैं जी? हमारे यहाँ गांव में कोई काम धंधा कुछ तो है नहीं, तो वहाँ जा रहे हैं अपना दिहाड़ी वाड़ी लगाने। कितने सालों से जा रहे हैं आप? हम तो जा रहे हैं कोई 8-9 साल से जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? हमारे पूरा फैमिली यहाँ है, पूरा परिवार जा रहा है। लोग और चापा स्टेशन में है? और बहुत लोग हैं यहाँ, तो 1000 लोग से ऊपर लोग हैं यहाँ। तो आप क्या किसी को बुलाने में जा रहे हैं या किसी दबाव में? नहीं, किसी के किसी कोई दबाव में नहीं जा रहे हैं, खुद अपने में दबाव में जा रहे हैं, अपने दिहाड़ी लगाने अपने लिए। क्या मिल जाता है रोजी और यहाँ क्या रोजी कम मिलती है? यहाँ तो कोई बेरोजगार है समझो, कोई किसी के पास काम है नहीं यहाँ, तो वहाँ मिल जाता है, वहाँ दिहाड़ी वाड़ी अच्छा लग जाता है हमारा। किस डिपार्टमेंट से? मेरा नाम राजू दिवाकर है और ईंट भट्टा मजदूर संघ का एक उप अध्यक्ष हूँ। और जो मतलब यहाँ से बहुत मजदूर प्लान किए हैं, बाहर देश में प्रवास किए हैं, उनको हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने गांव में पंजीयन करवाए, या नहीं तो हमारे ईंट भट्टा मजदूर संघ है उनके मतलब यहाँ ऑफिस में आ करके पंजीयन करवा के जाए, ताकि कहीं भी जा रहे हैं तो आप लोग का कहीं कुछ परेशानी ना हो, ताकि पूरा पूर्ण रूप पता होना चाहिए। कोई सा सरदार ले जा रहा है या भट्टा मालिक, वहाँ का भी नाम होना चाहिए जहाँ जिस गांव में जिस शहर में जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ भी परेशानी आए तो हम लोग को भी पता लगे, या अपना मुख्यमंत्री जी या कलेक्टर महोदय को उनको सब जानकारी हो, ताकि हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, यहाँ इस काम करने जा रहे हैं, कोई सा मतलब काम
भवन निर्माण हो या ईंट भट्टा हो या मिल में काम कर रहे हैं तो उनको पूरा जानकारी देना चाहिए, अपने ग्राम पंचायत में जानकारी देना चाहिए, सरपंच यहाँ जानकारी देना चाहिए। यहाँ बहुत ढेर सारा मजदूर प्लान किए हैं, उनको समझाने की कोशिश किए हैं, उन लोग जलंधर गए हैं, कुछ जम्मू कश्मीर गए हैं, कुछ हिमाचल गए हैं, कुछ पंजाब गए हैं, कुछ हरियाणा गए हैं, उनको समझाने की कोशिश किए कि आप लोग कहीं भी जा रहे हैं तो आप पंजीयन पहले करवाओ, ठीक है जी। और कई मतलब टीआई साहब से भी फोन में बात करने कोशिश किए हैं तो उन्होंने सुना भी नहीं अपने चापा जहांगीर से, ठीक है। और आरटीओ मेरा नाम जयप्रकाश रात्र है, मैं ग्राम देवघट्टा से, जिला जहांगीर चापा छत्तीसगढ़ का मैं जिला है, और हम लोग मतलब गरीब मजदूर के लिए काम करते हैं। अभी जो ट्रेड यूनियन बना है छत्तीसगढ़ ईंट भट्टा मजदूर संघ का, जो हम लोग मतलब अपना मजदूर के विषय में मतलब फोकस करते हैं और उन लोग के बारे में हर गांव में जा जाकर मीटिंग करके जागरूकता अभियान चलाते हैं और उन लोगों का सक्षम करते हैं। तो हमारा बात कोई भी मतलब नहीं मानता, और वहाँ से मतलब क्या है कि एक सरदार दरारा द्वारा चांपा स्टेशन से आज मतलब दिनांक 24/9/2019 को ले जाया गया, और हम लोग का विषय यह है कि गरीब मजदूर कोई भी जा रहा है तो अपने ग्राम पंचायत या सरपंच के पास या हम लोग का पदाधिकारियों के पास हम लोग का उद्देश्य है कि उन लोग रजिस्ट्रेशन करा के जा कि कोई भी गरीब मजदूर कहीं भी ना फंसे। और जैसे कि कोई भी जमादार यहाँ से ले जा रहे हैं भट्ठा में, और भट्ठा में ले जाकर जैसे फंसा देते हैं और अन्य प्रकार का उन लोग का शोषण होता है वहाँ, और प्रताड़ित करते हैं मालिकों द्वारा, वहाँ के मुंशी जो लोग रहते हैं तो, और सही टाइम में खर्चा देना, सही टाइम में जैसे कि यहाँ से हम बोल कर कोई भी सरदार जैसे कि ले जा जाते हैं कि वहाँ बिजली पानी लेटरिन बाथरूम की सुविधा, और मजदूरों को समझाते हैं तो मजदूर लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अपना मर्जी से जा रहे हैं और कोई भी यहाँ स्टेशन से नहीं बता रहा है। और यहाँ आप लोग कहाँ हैं और कैसा था माहौल है? हम लोग तो अभी यहाँ स्टेशन में है, चापा स्टेशन में, और यहाँ का जो माहौल है बहुत सारा मजदूर आज जा रहे थे तो उनके विषय में जैसे कि यहाँ जेआरपीएफ जो है अगले बार भी यहाँ पर आए थे तो जेआरपीएफ के माध्यम से मतलब यहाँ समझाया गया तो उन लोग मतलब ना उन लोग क्या है कि मतलब खुद पैसे लेकर मतलब सरदारों दलालों के द्वारा मतलब मानव तस्करी करवा रहे स्टेशन से। तो हम लोग को उद्देश्य है कि उन लोग को मतलब मानव तस्करी जो 1970 का जो धारा है और उन लोग से रोका जाए और मानव तस्करी कम से कम संख्या में हो। तो इस विषय में मतलब मैं कलेक्टर महोदय या SP से आग्रह करता हूँ कि वो विशेष ध्यान दें। क्या आप लोगों ने किसी से कनेक्ट किए, कोई कॉन्टैक्ट किए, क्या कुछ जवाब मिला? हम लोग अभी तक सर कोई भी जवाब नहीं मिला। टीआई से यहाँ चांपा टीआई से अभी बात किए तो मतलब वो ध्यान नहीं दे हम लोग ऊपर में, और आईटीओ साहब से भी बात। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।